नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं रश्मि। आज आपके सामने अब लाए हैं ऐसी महिला जिन्होंने अपना वो सपना पूरा कर दिखाया जिसे पूरा होना तो दूर, देखना भी हरियाणा जैसे राज्य की महिलाओं के लिए असंभव है। ये सपना था एक प्रोफेशनल रैली रेसर बनने का, जिसे पूरा किया हमारी आज की इस खास मेहमान ने। हालांकि रैली रेसर बनने के लिए उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसे पूरा करते हुए बाकी महिलाओं के लिए एक नई मिसाल पेश कर दी। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बानी यादव के जीवन के कुछ पहलू। आप सोच रहे होंगे ये कोई आम हरियाणवी बहू है, लेकिन आप गलत हैं। ये कोई ऐसी वैसी बहू नहीं, बल्कि ऐसी महिला है जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया है। अगर हम आपको बताएं कि ये एक रैली रेसर है जिसने अब तक कई ट्रॉफी जीती हैं, तो आप शायद यकीन भी ना करें। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं इनका असली रूप। एक रैली रेसर हैं जिन्होंने पुरुषों को भी नाकों चने चबा दिए हैं। इनकी ट्रॉफी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी रैली जीती हैं। खास बात यह है कि इन रैलियों में इन्होंने न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी मात दी है। एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप, मारुति सुजुकी स्टॉर्म, INRC उत्तराखंड एडिशन, अल्टीमेट डेजर्ट चैलेंज, मारुति सुजुकी दक्षिण डेयर रैली इनमें मुख्य रूप से शामिल है। दरअसल बचपन से ही बानी को तेज रफ्तार से प्यार था। वो अपने पिता की गाड़ी तेज चलाना पसंद करती थी, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। बानी के पिता को डर था कि बेटी रेसिंग करेगी तो चोटिल हो जाएगी। उन्होंने इस पर सख्त पाबंदी लगा दी, लेकिन इसके बावजूद बानी नहीं मानी। मैं खुद कार का बहुत शौकीन हूँ। बचपन से मैं कार तेज चलाता आया हूँ। हर 6 महीने में कार चेंज करता था और ये हमारे सोते हुए कार घर से बाहर निकाल के ले जाती थी और ट्रायल करती थी, फिर लाकर चुपके से गाड़ी फिर पार कर देती थी। ये शौक डेवलप होते होते यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचा है कि वो कार में एक छोड़ कर 3-4-5 कार एक्सीडेंट ये सब कुछ किया है। बड़ी होने पर बानी ने अपने कॉलेज के फ्रेंड से शादी कर ली और बानी माथुर से बानी यादव बन गई। बानी का ससुराल गुड़गांव के मानेसर में है। बानी को उम्मीद थी कि शादी के बाद ससुराल वाले उन्हें रेसिंग की इजाजत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ससुराल वालों को लगा कि बहू कार चलाएगी तो आखिर लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। बानी के मुताबिक परिवार में वो अकेली कार चलाने वाली महिला थी, फिर भी ड्राइविंग पर पाबंदी लग गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने परिवार का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की। 2 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने पर पति ने कार रैलियों में जाने की इजाजत दे दी। बानी के बच्चे भी अपनी माँ की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। सारा यूथ है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से आके बोलते हैं कि यार एक बार अपनी मम्मी से मिलवाओ। एक वो रोल मॉडल की तरह है यूथ के सामने जो आगे मोटर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो आके कई बार कहते हैं यार एक बार अपनी मम्मी से मिलवाओ। इट्स ऑब्वियसली अ वेरी प्राउड फीलिंग। लास्ट मंथ स्कूल में PTM थी, उसमें कुछ टीचर्स को स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें करनी थी, सो उनने कहा था कि आप अपनी मदर को बुलाइए, वो अगर कोई स्पीच वगैरह दे स्कूल में तो बहुत अच्छा रहेगा। बट मदर एक रेस के लिए गए हुए थी तो वो आ नहीं पाए। रैली रेसिंग एक महंगा प्रोफेशन है जिसके लिए बानी घर संभालने के साथ ही गुड़गांव की एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करती हैं। वो अपनी पूरी सैलरी रेसिंग में लगाती हैं और पति की सैलरी से घर चलता है। बानी के इस जुनून को देखकर लगता है कि वाकई ये कहावत सच है कि सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
तो चलिए और इंतजार नहीं करवाएंगे आपको, सीधे आपसे मिलवाते हैं बानी यादव को। तो बहुत स्वागत है बानी हमारे स्टूडियो में आपका। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि आपका एक सपना जो असंभव आपको भी लगता था वो पूरा हुआ तो कैसा लगा? देखिए जब सपने सच होते हैं तो जो खुशी होती है वो बिल्कुल अपार होती है और मन इतना प्रोत्साहित होता है कि जो हमने सोचा था जो चाहा था वो सब मिलता जा रहा है। और रैली करना मेरा एक बचपन का सपना था जो अब इस उम्र में आके मैं पूरा कर पाई हूँ। जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक माँ हैं, इसके अलावा हम जानते हैं आप टेलीकॉम कंपनी में काम भी करती हैं, एक प्रोफेशनल रेसर भी हैं, इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए जब तक अपना फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ हासिल करना बहुत मुश्किल बन जाता है। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, बच्चों का सपोर्ट रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहता है, तो जब सारे इकट्ठे मिल जाते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हाँ ज़रूर ये है कि जब आप जॉब करते हैं तो आपको छुट्टियां लेना और टाइम निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ एयरटेल, वो हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित करती रही और उन्होंने बढ़कर मेरा सपोर्ट किया है ताकि मैं आगे जा सकूँ और रैली में अपना नाम बना सकूं। जी बानी, इसके अलावा आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा था, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, दोनों ही जगह लोग खिलाफ थे कि आप रैली में ना जाएं। तो कितना मुश्किल था आपके लिए उनको कन्विंस करना, ये समझा पाना कि नहीं यही मैं चाहती हूँ और यही मैं करना भी चाहूँगी आगे? देखिए मुश्किलें तो हमेशा ही रही हैं, पर अब मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव भी कर लिया है तो अब सबकी तारीफ़ें मिलती हैं और बहुत खुशी होती है कि मैं वो मुकाम पे आ गई हूँ। शुरू में मेरे माता पिता दोनों ही डरते थे कि मैं रेसिंग करूँगी तो चोटें भी लगेंगी, एक्सीडेंट भी होंगे, और जो एक नॉर्मल किसी भी पेरेंट का होता है कि भाई बेटी की आगे शादी कैसे होगी, कहीं कोई निशान रह गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, हाथ पैर टूट गए, अपंग हो गई, वो बहुत जाहिर से एक मैं कहूँ पेरेंट्स की होती है कंसर्न। और वैसे ही मेरे इन लॉज की तरफ से भी उनको ये था कि अगर बहू कार रेसिंग करेगी, अभी तो शादी हुई है, बच्चे भी करने हैं, बड़ा भी करना है, तो आप कैसे सारी जिम्मेदारी निभाओगे, और कल को कोई बात हो गई, ऊंच नीच हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो तब की अलग प्रॉब्लम्स है। पर धीरे धीरे सब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जब एक मन में विश्वास है और मैं वो करना ही चाहती हूँ तो सब ने फिर धीरे धीरे साथ देना शुरू किया और आज की डेट में सभी मेरे साथ हैं, चाहे मेरे अपने पेरेंट्स हों या मेरे इन लॉज हों या मेरे इन लॉज की साइड की फैमिली हो, हस्बैंड की साइड की फैमिली हो, सब बहुत खुश है, मेरे साइड की फैमिली बहुत खुश है। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ अपने अंदर वो जज्बा रखना है और मुश्किलों से लड़ने का एक जो जज्बा होता है उसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके मन में जो है उसको दबा के जीने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आप खुद ही घुटते रहोगे। जब तक आप उसको जाहिर नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं, आप करने का एक जुनून नहीं दिखाएंगे, तब तक साथ कोई नहीं देता। और एक बहुत पुरानी कहावत है, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और मैं इसमें बहुत विश्वास करती हूँ कि अपनी मदद खुद ही करनी चाहिए तभी आपके साथ कोई और होगा। जी बानी, बहुत अच्छी बात आपने की है कि खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि मुश्किलों भरा सफ़र भी रहा था, यही मेरा अगला प्रश्न भी था, इसी से जुड़ा हुआ। आप एक महिला हैं, हरियाणवी बहू हैं, घूंघट में रहने वाली हैं, ससुराल में जब होती हैं घूंघट काढ़े रहती हैं और फिर एकदम से मॉडर्न अवतार में आती हैं, ये सब कुछ बैलेंस करना कितना मुश्किल है? और एक डेंजरस खेल है रैली रेसिंग, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत आसान चीज़ है, तो इन सारे खतरों से खेलने की हिम्मत कहाँ से आती है और कैसे आप मैनेज करती हैं सब? देखिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊँगी कि मेरे अपने माता पिता ने, खास तौर से मेरी माता ने,
मुझे यही सिखाया कि डरना कभी नहीं है किसी से। उन्होंने खुद कभी डरना नहीं सीखा और उन्होंने हम दोनों को, मेरे भाई को भी और मुझे भी, यही सिखाया शुरू से कि कभी नहीं डरते, किसी चीज़ से नहीं डरते। और अगर कोई मुश्किल आती भी है तो उसको डट के सामना करो। इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है मेरी सोच को बनाने का इस तरह का। और जिस टाइम पे हम लोग यहाँ गुड़गांव में आए, तब मेरे फादर ने एक ऐसे जगह पे घर बनाया जो बिल्कुल वीराना था, और हम लोग बिल्कुल छोटे होते थे और मेरी मदर बड़ा कोशिश करके दूर दूर तक हम लोग पैदल भी चल के जाते थे स्कूल के लिए, बस पकड़ते थे, कई बसें बदल के भी जाते थे। तो उनसे मैंने यही सीखा कि डरना नहीं है और हमेशा हिम्मत रखनी है। जहाँ तक ये है कि मुश्किलों का सामना करना है, कोई भी कदम या कोई भी रास्ता आसान कभी नहीं होता, हमेशा मुश्किलें होती हैं। आप किस तरह से उसका सामना करते हैं वही आपका अपना व्यक्तित्व बनाता है। और जहाँ तक सवाल है कि ये एक ऐसा खेल है जहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होने का या चोटें लगने का है, डेंजरस खेल है, हाँ ये बहुत डेंजरस खेल है। इसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं, चोटें भी लगती हैं, गाड़ियाँ भी पलटती हैं। मेरी खुद की गाड़ी दो बारी पलट चुकी है और पहाड़ से मैं नीचे भी आ रही थी, स्पीड पे भी थी गाड़ी पलटी। पर जब डर नहीं है तभी आप ये सब खेल कर सकते हैं, तो डरना मैंने कभी सीखा नहीं है जी। बच्चों के लिए आप क्या सपना देखती हैं? आपको लगता है कि आपके बच्चे आगे चलकर रैली रेसिंग की जो आपकी एक कहते हैं परंपरा, उसको आगे निभाएंगे, या फिर उनके लिए कुछ और सपना संजो के रखा है आपने? देखिए, बच्चों के लिए मेरा अपना यह है कि जो वो करना चाहें वो ज़रूर करें। मैं कभी अपने बच्चों पे कोई पाबंदी नहीं लगाती और मैंने उनको हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा सपोर्ट मैं हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों ने हमेशा उनको प्रोत्साहित किया है। दोनों मेरे बेटे रेसिंग भी करते हैं। मुझे लगता है कि छोटा वाला ज़्यादा आगे तक जाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है रेसिंग में, और आज की डेट में वो ज़्यादा मेरे पच्चनों पे चल रहा है। बड़ा वाला, उसको रेसिंग का शौक़ है पर वो इसमें आगे नहीं जाना चाहता। पर दोनों बिल्कुल जो करना चाहें उनको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है जी। बानी, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं और इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब दर्शकों तक भी हमें पहुंचाने हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब हम मिलेंगे तो बानी से करेंगे कुछ और बातें। बने रहिएगा हमारे साथ।